We'll discuss about gram-positive bacteria, the second lecture. Once again, the same old discussion, gram-positive bacteria, that can be cocci or there can be rot. Cocci, हम पहले पढ़ चुके हैं कि cocci हमारे साथ staph mainly और strep हैं. Staph फिर further aureus में और epidermidis and saprophyticus में. जबकि streptococcus जो है, that is into alpha बीटा एंड गेमा हिमोलिटिकस में. ठीक है, नाउ उसमें ये पॉजिटिव. अच्छा, फिर उसमें आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव कोक्साई. तो ग्राम नेगेटिव कोक्साई में हमारे साथ एक डिप्लोते डिप्लोकोक्साई और दूसरे थे कोको बेसिलाई. नाउ लेट्स कम टू रॉड्स. तो रॉड्स में भी हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होंगे और ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे. नेगेटिव रॉड्स आगे जाके पढ़ेंगे. लेट्स कम टू ग्राम पॉजिटिव रॉड. तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हमारे साथ दो किस्म के रॉड्स हैं. एक है सिंपल रॉड्स, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स कहते हैं, और एक है ब्रांचिंग फिलामेंट्स, जो इस सीरीज का आखिरी लेक्चर होगा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का. अच्छा, इनमें हमारे साथ हैं फिर एरोब्स और एनएरोब्स. एरोब्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिस्टीरिया बेसिलस और क्रायनोबैक्टीरियम डेवेरी है, जबकि एनएरोब्स हमारे साथ है क्लोस्ट्रिडियम. और क्लोस्ट्रिडियम में फर्दर फोर बग्स हैं, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है. सो लेट्स कम टू द क्लोस्ट्रिडियम. क्लोस्ट्रिडियम के जनरल फीचर्स, तो हमारे साथ आगे जितने भी क्लोस्ट्रिडियम हैं, चाहे वो टिटनी है, चाहे वो बोटुलिनम है, चाहे परफिरिंजिस है और डिफिसाइल है, इन सब में ये फीचर्स कॉमन होगी कि दे आर ऑल ग्राम पॉजिटिव एडहेरेंस स्टडीड. दे आर ऑल स्पोर फॉर्मिंग. अच्छा, स्पोर फॉर्मिंग में हम क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई जो है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. और तीसरा जो है ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं. ये सारे ऑब्लिगेट एनएरोब्स का मतलब ये है कि दे कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकते. और हमारे साथ ए बी और सी जो है ये थ्री मेन वो है ऑब्लिगेट एनएरोबिक, जिसमें सी का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, बी बैक्टीरियोइड्स हैं, और ए जो है एक्टिनोमाइसिस है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा, जो फैकल्टेटिव होते हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ ऑक्सीजन खत्म हो जाए सो दे कैन शिफ्ट टू बीइंग एनएरोब. और उसमें हमारे साथ सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप. तो रिमेंबर दिस बिफोर स्टार्टिंग टिटनस एंड बोटुलिज्म, लेट्स फर्स्ट स्टडी लिटिल न्यूरोएनाटॉमी एंड स्पेसिफिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. ठीक है, तो हमें पता है कि लेट सपोज दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इससे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा. ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में स्पेसिफिकली ये इंटीरियर हॉर्न सेल है इस पे, और इंटीरियर हॉर्न सेल जो बाहर निकलता है. तो अगर आपको याद हो तो हमने जनरलाइजेशन में पढ़ा था कि जो फर्स्ट न्यूरॉन सीएनएस से निकलेगा, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, चाहे वो पैरासिम्पेथेटिक हो, चाहे वो सिंपेथेटिक हो, और चाहे वो मोटर न्यूरॉन हो, वो सिक्रीट करेगा एसिटाइल कोलीन. ठीक है, और उसका रिसेप्टर होगा निकोटिनिक रिसेप्टर. ठीक है, तो ये लेट सपोज मसल है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का निकोटिनिक रिसेप्टर है. दूसरा जो जनरलाइजेशन हमने पढ़ा था, तो वो हमने पढ़ा था कि द मेन इनहिबिटरी न्यूरॉन इन द सीएनएस इज गाबा, और मेन इनहिबिटरी न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड इज ग्लाइसिन. लेकिन ये याद रखें कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर इसमें ग्लाइसिन मेन है तो इसमें गाबा नहीं होगा. गाबा भी होता है, लेकिन ग्लाइसिन मेजर अमाउंट में होता है, और यहाँ मेजर अमाउंट में गाबा होता है. ठीक है, और ये दोनों इनहिबिटरी न्यूरॉन है. नाउ रिमेंबर दैट इन द सीएनएस देयर इज ए बैलेंस. एक बैलेंस ये है कि यहाँ पे एक्साइटेशन है और यहाँ पे इनहिबिशन है. तो अगर आप इनहिबिशन को डिस्टर्ब कर लो तो एक्साइटेशन का पड़ना बारी हो जाएगा. नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. इस जगह को थोड़ा जूम कर लेते हैं, और जो इसका जो साइनेप्टिक वेसिकल है, ये एरिया, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें एसिटाइल कोलीन होता है, और यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम स्नेयर प्रोटीन कहते हैं. ठीक है, और ये स्नेयर प्रोटीन जो है ये एसिटाइल कोलीन लेता है और फिर इसे बाहर रिलीज करता है, जो कि यहाँ आके अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है. सिमिलरली अगर इस जगह को हम जूम कर लें, तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो बाहर निकलता है, तो इसके ऊपर एक अपर मोटर न्यूरॉन आता है, और एक इसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा न्यूरॉन होता है जो कि इनहिबिटरी होता है. और इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पे
ग्लाइसिन होता है, ठीक है, और यहाँ स्नेयर प्रोटीन होता है, और वो स्नेयर प्रोटीन जो है वो इस ग्लाइसिन को रिलीज करता है और इस पे थोड़ा थोड़ा इनहिबिशन भी रखता है। सही, नाउ लेट्स कम टू ए कंक्लूजन, वो ये है कि अगर लेट्स सपोज मैं ये स्नेयर प्रोटीन डिसरप्ट कर लूँ तो ये ग्लाइसिन रिलीज नहीं होगा और ये ग्लाइसिन रिलीज नहीं होगा, सो दिस अल्फा मोटर न्यूरॉन विल बी फ्री ऑफ इनहिबिशन, और अगर ये इनहिबिशन पे फ्री होगा तो यहाँ पे जो मसल पे ये एक्ट कर रहा है वो मसल कंट्रेक्शन में चले जाएगा एंड दैट विल बी स्पाज़म, ठीक है, और इट इज एग्जैक्टली द सेम जॉब जो कि टेटनस का टॉक्सिन करता है, ठीक है। अब बॉटुलिज्म का टॉक्सिन क्या करता है, इस वाले स्नेयर प्रोटीन को डिसरप्ट करता है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन फिर रिलीज नहीं होता, अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होता तो ये जो मसल है ये एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इनहिबिशन, और ये इनहिबिशन हो जाएगा तो यहाँ पे मसल हो जाएगा प्लेसिड, तो दैट इज व्हाई टेटनस में स्पाज़म होगा और बॉटुलिज्म कास करेगा प्लेसिड प्लेसिडिटी। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, तो हमें पहले पता है जो इसके ग्राम पॉजिटिव है, रॉड है, स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। इसके स्पोर के बारे में एक बात याद रखें कि ये जनरली और नॉर्मली क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो है इट इज लाइक दिस, लेकिन जब ये स्पोर बनाता है तो इसका टर्मिनल पोर्शन जो है वो ऐसे बड़ा हो जाता है और इसके अंडर ये है स्पोर, ठीक है। इस शेप को अगर आप फूडी हो तो आप यू कैन कॉल इट ड्रम स्टिक, और अगर आप प्लेयर हो तो यू कैन कॉल इट रिकेट शेप, जिससे आप लोग टेनिस खेलते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इट्स एक्सोटॉक्सिन, तो ये टू टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। एक को हम कहते हैं टेटनोस्पाज़मिन, जो कि एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा कि देयर डिस्टर्ब द स्नेयर प्रोटीन अफेक्टिंग द रिलीज ऑफ ग्लाइसिन एंड गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन, देयर रिजल्ट इनटू द एक्साइटेशन, दिस एक्साइटेशन डिस्टर्ब एंड द बॉडी मसल्स, और बॉडी एक स्टेट ऑफ कंट्रेक्शन में चली जाती है, जिसको स्पाज़म ऑफ द जॉ फेशियल मसल्स और नेक होते हैं, लॉक जॉ होती है जिसको हम ट्रिसमस कहते हैं, और रायसस सार्डोनिकस, दिस इज कॉल्ड रायसस सार्डोनिकस और इविल स्माइल, ठीक है, और साथ में डिस्फेजिया भी होती है, और सम टाइम इंट्यूबेशन इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक पोर्शन इसको हम कहते हैं ऑफिस्टोटोनस, बॉडी की एक आर्चिंग हो जाती है और ये कभी कभी इतनी सिवियर होती है दैट कैन रिजल्ट इन टू बोन फ्रैक्चर्स, और ये एक वेरी पैथेटिक कंडीशन है वेयर द पर्सन इज अलर्ट, उसकी सेंसरी सारी इंटैक्ट है बट उसका जो मोटर सिस्टम है वो डिस्टर्बड है। अच्छा, लेट्स वंस अगेन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन, ये हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये मसल, ठीक है। तो क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक इंजरी हो गई, तो जो इसका टॉक्सिन है टेटनोस्पाज़मिन, ठीक है, तो टेटनोस्पाज़मिन यहाँ से रिट्रोग्रेड मीन्स ऊपर जाएगा, तो सीएनएस को ऐसे ऊपर चले जाएगा, इसको हम रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन कहते हैं, और जो कास करता है वो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एक टॉक्सिन है जिसको कहते हैं टेटानोलाइसिन, ठीक है, और टेटानोलाइसिन जो है लो लिखते हैं, टेटानोलाइसिन वो लोकली काम करता है, और लोकली जो वूंड है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। सो इट्स अ लिटिल बिट अबाउट क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। नाउ नेक्स्ट वन इज बॉटुलिज्म, जो इसका जो बॉटुलिज्म का टॉक्सिन है वो है बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो कि हीट लेबाइल है और एसिटाइल कोलीन रिलीज इनहिबिशन करता है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि देयर इज अ स्नेयर प्रोटीन और वो स्नेयर प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है, एंड देयर इज नो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड दैट रिजल्ट इन द फ्लैश पैरालिसिस, एंड दैट फ्लैश पैरालिसिस इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बॉटुलिज्म, दैट इज 5D, और 5D में क्या है, आईज से शुरू करते हैं, तो आईज में डिप्लोपिया, फिर उसके बाद माउथ, तो माउथ में दो काम करता है डिसआर्थ्रिया और डिस्फेजिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो एयरवेज हैं, तो डिस्निया, ठीक है, और एयरवेज के बाद जो है इसका अपना जो काम है जो पैरालिसिस करता है दैट इज डिसेंडिंग पैरालिसिस। याद रखें कि डिसेंडिंग पैरालिसिस मेनली वायरसेस की वजह से होता है, और इसमें सबसे नोटोरियस जो है वो है पोलियो वायरस एंड इवन हर्पीज वायरस कैन कॉज इट, जबकि असेंडिंग पैरालिसिस इज गियन-बारे, ठीक है। अच्छा, मैस्थीनिया ग्रेविस जो है दैट कैन रिजल्ट इन द फेशियल मसल वीकनेस, स्पेसिफिकली डिप्लोपिया। अच्छा, याद रखें कि लेस देन 1 ईयर बेबीज जो है उनको अगर आप हनी खिलाओ ना, सो
सो देट कैन रिजल्ट इन बॉटुलिज्म, इसका इन्फेंट बॉटुलिज्म, एंड यू कैन सी दिस इन्फेंट विद फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आस्क क्वेश्चन के बड़ों में क्यों नहीं होता, तो दैट इज बिकॉज के जो बच्चे होते हैं वो मतलब दे इनजेस्ट स्पोर्स, और उनमें जो गट के अपने बग्स होते हैं वो नहीं होते, सो देर कैन नॉट कॉम्पीट इट। सो लेस देन वन ईयर जो है उसको आपने नहीं देना, जबकि बड़ों जो हैं उसके गट में नॉर्मल फ्लोरा होता है और उनका नॉर्मल फ्लोरा कम्पीट विद दिस क्लस्टिडियम, एंड देट इज़ वाई दे आर मेनली सेफ ऑफ द बॉटुलिज्म। ठीक है, अच्छा, उनको डायरिया वगैरह हो सकता है या ट्रांजियंट बॉटुलिज्म हो सकता है, लेकिन दिस 5D वाला उनमें वेरी 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 रेयर होता है। ठीक है, बिकॉज आवर गट इज वेरी वेरी फुल ऑफ ऑल द नास्टी बग्स दैट। और नाउ लेट्स कम टू द परफेरेंजेस। ठीक है, तो क्लास्टिडियम परफेरेंजेस के बारे में आप याद रखें कि इसका सबसे वो जो है इम्पोर्टेंट वो है गैस गैंग्रीन, इट कॉजेज गैस गैंग्रीन। ठीक है, और दूसरा गैस्ट्रो एंटेराइटिस कॉज करता है इन द सिमिलर वे जो स्टेफ आरजीएस कॉज करता था। नाउ फर्स्ट स्टडी इट्स अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, तो इसका अल्फा टॉक्सिन जो है वो मेनली है लिसिथिनेज, और वो क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेड करता है। तो लेट सपोज पहले हम एक मसल टिश्यू ले लेंगे, ठीक है, और ये अगर मसल टिश्यू को डिग्रेड करे, यहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन करे, सो देयर विल बी मायोनेक्रोसिस, और दैट मायोनेक्रोसिस हेयर यू कैन सी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ गैंग्रीन, और ये गैंग्रीन इसलिए आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली एट द पंक्चर वाउंड साइट। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये ब्लड में चला जाए तो ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि ये RBC हो गया, या प्लेटलेट्स हो गए, या वाइट सेल्स हो गए, तो ये हीमोलिसिस करेगा या प्लेटलेट डिस्ट्रप्शन करेगा, एंड देट कैन लीड टू इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस, एंड समटाइम में रिजल्ट इन सेप्सिस एंड इंट्रावास्कुलर कागुलेशन। ठीक है, सो दिस इज वन अमंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसका जो एंटीरोटॉक्सिन है वो है हीट लेबाइल टॉक्सिन है, ये फीचर उसकी तरह नहीं है स्टेफ की तरह, बाकी डिजीज ये स्टेफ की तरह ही कास करेगा। ठीक है, सो दैट विल रिजल्ट इन द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि अक्सर लिमिटिंग हो सेल्फ लिमिटिंग होता है। कम टू द थर्ड वन, क्लास्ट्रिडियम डिफिसाइल एन नोटोरियस बग फॉर द सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एंड यू कैन सी दिस येलोइश फ्लेक्स ऑन द कोलन, एंड दिस इज कॉल्ड सूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लास्ट्रिडियम परफेरेंजेस जो है इसके बारे में हमने कहा था कि इसके दो इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी। जो टॉक्सिन ए है ये है एंटीरोटॉक्सिन, और जो टॉक्सिन बी है ये है साइटोटॉक्सिन। ठीक है, तो जो डायरिया तो बहुत खास करते हैं, लेकिन जो ये एंटीरोटॉक्सिन है जो ए है, ये ब्रश बॉर्डर जो है उस पर स्पेसिफिकली एक्ट करता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, दिस कॉल्ड अल्ट्रेशन एंड रिजल्टिंग डायरिया। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड है साइटोटॉक्सिन, तो नाम से पता चलता है कि ये साइटोटॉक्सिक होगा, दैट इज टॉक्सिन बी, और ये क्या करता है, जो कि एक्टिन है उसकी ये डी पोलीमराइजेशन करता है। ठीक है, एंड दिस डी पोलीमराइजेशन रिजल्ट इन द सेल डेथ, एंड दिस सेल फर्दर लीड टू द सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड डायरिया। अच्छा, जो क्लास्ट्रिडियम डिफिसाइल है इसके लिए रिस्क फैक्टर में इम्पोर्टेंट जो है वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स में जो सिफिलोस्पोरेंस है, क्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है ना, वो आपने याद रखने, एंड द मोस्ट नोटोरियस वन इज क्लिंडामाइसिन। ठीक है, और ये बात भी याद रखें, जो PPI यूज है वो भी इस बार अमंग द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। अच्छा, इसको ट्रीट कैसे करना है, तो ट्रीट जो है अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो स्टॉप एंटीबायोटिक, और अगर सिवियर है तो द फर्स्ट लाइन ड्रग इज मेट्रोनिडाजोल। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।